पाकिस्तान होटल पहुँचे हैं जी हम मंजूदड़ो जाते हुए। ये हमारे पुराने प्रोफेसर साहब हमें मिल गए, हमारी एक पुरानी वीडियो मौजूद है, नाम इनका अताउल्ला है। अरे भैया ट्रक वाले कहाँ घुस गए? अस्सलाम वालेकुम और सुबह बख़ैर। इरादा किया जनाब मोहिंजो दड़ो जाने का, आज अगर मौका मिला तो लाड़काना भी जाएंगे, मोहतरमा बेनज़ीर की कब्र पे फातह पढ़ लेंगे इंशाल्लाह जाके, और इसके अलावा वापसी में गोरख हिल एक दादू ज़िले में लगता है, पहाड़ ऊंचा बड़ा खूबसूरत, उसकी कुछ वीडियोस देखी हैं जो दोस्तों ने शेयर की हुई हैं यूट्यूबर्स ने, तो इंशाल्लाह 2-3 वीडियोस आपको इस टूर में दिखाते हैं। वही ज़बरदस्त किस्म का नज़ारा थोड़ी देर में आपको देखने को मिलेगा, सूरज को हम कवर करेंगे। ये पूरी साइड है, इधर ही से कहीं से निकलेगा, लाली आ गई है। तो आ गया जी सूरज, निकल आया बाहर खूबसूरत अंदाज में, इंतहाई दिल फरेब किस्म का मंज़र है भाई। ये मनाजिर जो है अगर हम सुबह सुबह कैप्चर ना करें तो वीडियो में मज़ा नहीं आता हमें। कुछ काम सुना हो रहा है सब सिटी में भी, किसी दिन दोबारा चक्कर लगा लेंगे। हम पहुंचे जनाब कमांडर सिटी, यहाँ से मैंने रास्ता वस्ता बनाने की इजाज़त मिल गई है, तो ये बनाया जा रहा है इधर से, ये बल्कि नीचे से ऊपर से भी इनको मिल गया। ये कमांडर सिटी का गेट, तो ये बेटी के टो पहुँचे कमांडर सिटी और अल रऊफ सिटी के बाद। ये आपको सड़कें वड़कें जो जहाँ इस तरह का मामला नज़र आ जाए ना, बस समझ जाए कि भाई कोई आहो आहो। ये बहरिया टाउन कराची टू, इस मरतबा रिहायशियों को मायूस किया वैसे बहरिया वालों, हज़ारों की तादाद में बहरिया टाउन कराची बंद में लोग पहुंचे हुए थे डांसिंग फाउंटेन पे, और बड़ा मज़े का सीन हुआ। काउंटडाउन शुरू हुआ नए साल का, और जैसे ही बंद के बाद ज़ीरो हुआ तो उन्होंने पानी थोड़ा सा उछाल के थोड़ी सी उसमें आग दिखा दी और कहा कि कैसा लगा हमारा सरप्राइज़, और बाकी सब कुछ यहीं भी हुआ, सारा कुछ यहीं भी हुआ। तो भाई ये तो बड़ा गलत हो गया, नाइंसाफ़ी हो गई बीटी के वन वालों के साथ। तो भैया एक और इत्तला दे दें, ये बीटी के टू जो है वो दादा भाई सीमेंट हुआ करता था कभी किस ज़माने में, हम भी उसमें काम करते थे, इसकी आईटी डिपार्टमेंट में हमने काम किया, और हम यहाँ आया करते थे ये सामने दादा भाई, जो कि शायद पॉपुलर के नाम से बिकती थी। तो दादा भाई से 2-3 किलोमीटर पहले यानी पीछे, और कमांडर सिटी से 2-3 किलोमीटर, तो इन दोनों के दरमियान में है बी टिकट टू। असल में पाकिस्तान होटल पहुँचे हैं जी हम मंजूदड़ो जाते हुए। ये हमारे पुराने प्रोफेसर साहब हमें मिल गए, हमारी एक पुरानी वीडियो मौजूद है, नाम इनका अताउल्ला है, प्रोफेसर अताउल्ला साहब। सलाम अलैकुम। सलाम, संगे ठीक ठाक है? ठीक है, खुश है, बराबर। हम दोबारा आ गए आपके पास, माशाल्लाह अल्लाह तो पिक दे। ये कौन सा इलाका था ये आपने बताया था? ये 32 मील सफर, 32 मील है जी सर, ये कराची और हैदराबाद के दरमियान है। अच्छा जी सर, ये कौन सी है, कौन सी लोकेशन है? ये 32 मील बरतानाउल्ला खान के नजदीक लगता है। अच्छा, इसको 32 मील क्यों बोलता है? 32 मील क्यों बोलता है? ये जगह मशहूर है, ये बस क्यों मशहूर है, इसमें 32 मील है क्या? 32 मील लोग बोलता है, पता नहीं क्या वजह से 32 मील। आप तो प्रोफेसर है, आपको तो सब पता होना चाहिए। हमारा तो पता होना चाहिए, तो हम आगे स्कूल पढ़ा होता। उसको पता है? नहीं, उसको भी पता है नहीं, नहीं पता। चलो ठीक है, चलो मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। हम लोग पता है कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं मोहनजोदड़ो। अच्छा, नाम सुने? सिंध में, सिंध में नहीं सुना? सिंध में, हाँ सिंध में जा रहा। चलो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह, सलाम अलैकुम।
तो जनाब हम पहुंचे हैदराबाद टोल प्लाजा M9 पर सफर करते हुए मोहनजोदड़ो की तरफ बढ़ रहे हैं, मुर्दों का टीला कहते हैं उसको। हमने यहाँ से लेफ्ट ले लेना है, बस को मैंने थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया है, और सीधा अगर मैं जाता तो हैदराबाद और LUMHS लम्स, पता नहीं क्या लिखा जो भी है। ये लम्स असल में ये है लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज जामशोरो, लम्स इसको बोलते हैं जी, हमें भी अभी पता चला है। थर्मल पावर स्टेशन जामशोरो, खूबसूरत सी वादी में उतर रहे हैं हम। देखें मोटरसाइकिल पे क्या लेके जा रहे हैं, ऐसी चीज़ें मैं अक्सर मुझे मिल जाती है, पता नहीं क्या है, पापड़ है, यस गोल वाले पापड़। हम पहुँचे खासाई, खासाई छोटी सी जगह है, छोटा सा निक्का सारा गांव है ये देखें। तो ये खीरतर पार्क आपको ग्रीन ग्रीन नज़र आ रहा है, पता नहीं इस साइड पे हमारे उल्टे हाथ में। तो हम दरियाए सिंध के साथ साथ N555 पे जा रहे हैं और मोहनजोदड़ो का ये रास्ता अभी भी 3 घंटे और 35 मिनट बाकी हैं यहाँ से। दरिया किसी फीलिंग देता है यहाँ पे, देखें आप इस तरफ और इस तरफ भी अब सूखना शुरू हुआ है थोड़ा। अब काफ़ी देर बाद रोड जो है वो फिर डबल हो गई है, N555 दोबारा से यहाँ से फिर डबल होना शुरू हो गई है, और मुझे इलाके का सच्ची बात है नहीं पता कौन सा इलाका है। हम काजी अहमद के पास पहुँचने वाले हैं, वहाँ आपको एक ड्रोन शॉट देंगे क्योंकि दरिया सिंध उसके साथ लगता है। और इसके बाद भन सईदाबाद, भान सईदाबाद से पहले 7। अरे भैया ट्रक वाले कहाँ घुस गए, दीवार से टकराए या कोई जगह से क्रॉस करने की कोशिश कर रहे? लो जी दीवार से टकराए और इनके अगले पिछले पहिए सारे निकल गए हैं। बंदा ओ हो हो, बंदा नीचे घुस के सो रहा है और ट्रक फारिग। हम पहुँचे काजी अहमद इंटरचेंज, थोड़े से ड्रोन एंजॉय करें। अच्छा जी काजी अहमद के बाद जनाब थोड़ा सा पैच जो है फिर सिंगल है, और ये यहाँ से दोबारा डबल बन रहा है 7 यहाँ से 35 किलोमीटर ये बन रहा है, लेकिन खुला हुआ नहीं है। फिर पहुँच गए लकी शाह सदर, यहाँ पर भी जी मशीनरी खड़ी हुई है जा रही है। देखो 3 स्टेप बनाए हुए, शुक्र है 3 स्टेप बना दिए थे, नहीं तो हमारा जो है ना 1 स्टेप में बड़ा गर्व हो जाना था। लास्ट टाइम हम आए थे तो ये बीच वाली ये ग्रिल नहीं लगी हुई थी, हाँ ये बीच वाली ग्रिल नहीं लगी हुई थी, हम उस साइड से गए थे।
अभी ये इन्होंने ग्रिल लगा दी है, यानी 3 हफ्ते में ये काम थोड़ा सा ठीक है। और ये जी हम दोबारा उसी पत्थर को क्रॉस कर रहे हैं, ये देखिए आप, ये हम पहाड़ों के बीच में घूमते हुए जा रहे हैं, सिंगल रोड है। इधर ज़रा एहतियात करनी है आपने, ऐसे ट्रकों से खासतौर पर बचना है जो भी मेरे सर से गुजर गया। यहाँ हम लास्ट टाइम रुके थे और इस जगह की वीडियो हमने बनाई हुई है, ये पटरी इस पहाड़ी के बीच में से कटाव में से जा रही है। दरियाए सिंध के साथ साथ चलते हुए जनाब हम पहुंचे सेवन शरीफ, सेवन सिटी से गुजर रहे थे, क्रॉस कर रहे हैं, ये सेवन का बोर्ड, यहाँ से बंदर जा सकते हैं मज़ार की तरफ, हमने सीधा जाना है। ये सारी इन्होंने फिलिंग कर दी थी, फिलिंग नहीं हुई थी बिल्कुल भी ना, ये पत्थर डाले जा रहे थे तो अब इसको फिल करके बंद कर दिया, पक्के ही बंद कर दिया है, ना पानी उधर से आए ना इधर क्रॉस हो और ना ये ख़राब हो, ऐसे ही मेरे ख्याल ये सीधी रोड बना देंगे। अच्छा है इस ट्रक से बचना है बस, ये ट्रक बहुत ख़तरनाक है, पूरा छत है। भान सईदाबाद क्रॉस कर लिया जी हमने तकरीबन, दादू यहाँ से 24 किलोमीटर रह गए, दादू 7 किलोमीटर, नसीराबाद 88 किलोमीटर, दादू सिटी पहुँच गए जी, सीधा लाड़कान है। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा रुकेंगे, यहाँ से सामने बोर्ड नज़र आ रहा है जूही 18 किलोमीटर, वाही पांडी और 93 किलोमीटर गोरख हिल्स, यहाँ से हमने गोरख हिल भी जाना है। दादू का मेन गेट, यहाँ से आप अंदर दादू चले जाएं। हम नहीं, हम दादू नहीं जा रहे, हम अभी जाके आगे थोड़ा सा स्टे करते हैं 10 मिनट और फिर सीधा चलते हैं मोहंजोदड़ो। दादू से निकल गए आगे, सीधा जाएंगे महेड़ और महेड़ से नसीराबाद, नसीराबाद से चलते हैं जी मुर्दों के टीले पे, मोहिंजो दड़ो पे। सारा जनाब सैलाब, बारिश का पानी खड़ा है दोनों तरफ, जिस गांव से गुजर रहा हूँ, जिस कस्बे से गुजर रहा हूँ, जिस शहर से गुजर रहा हूँ, बस ये हालात है। अभी तक पानी खुश्क नहीं हुआ, ये देखें आप, खबरदार कौमी शाहरा के दोनों तरफ 110 फुट कि हदूद में तजावजात कायम करना कानून जुर्म है, लेकिन हम तो करते हैं भाई। देखिए मट्टी से रोका हुआ है पानी को इधर उधर दोनों तरफ, लेकिन सेवन से आगे रोड बिल्कुल क्लियर है। ये महेड़ पहुंच गए जी हम, मेहड़ आ गए, मेहड़ पहुंच गए हैं, मैं समझा खैरपुर नदन शाह पीछे छोड़ा है, आगे क्या है, महेड़ के बाद नसीराबाद, महेड़ का बाजार, महेड़ है ये भेड़ है समझ में नहीं आ रहा। तो जनाब महेड़ से निकल के नमाज पास पढ़ लिया अलहमद ला, आगे नसीराबाद पहुंच के आपसे मिलते हैं, रास्ता भी कुछ दिखा देंगे थोड़ा बहुत। 21 किलोमीटर रह गए जी नसीराबाद, नसीराबाद हमारा नेक्स्ट छोटा सा स्टॉप है, उसके बाद इंशाल्लाह मुझे दौड़ महेड़ टोल प्लाजा आ गए जी, महेड़ टोल प्लाजा पहुँचे, महेड़ से बाहर निकलने के लिए भी हमें पैसे देने पड़ेंगे। नसीराबाद पहुँचे जी हम अल्हम्दुलिल्लाह। भाई कहाँ खड़े हो गए भाई, अच्छा इन्होंने इधर मुड़ना है और आहो, अच्छा भाई की बंद हो गई इनकी तो। 150 meters turn left onto Nasirabad Badar road, थोड़ा सा हमने यू टर्न लिया जनाब, और यू टर्न लेने के बाद फिर इधर, क्योंकि वहां से कट बंद कर दिया, नेक्स्ट लेफ्ट ऑन टू नसीराबाद बदार रोड, यू टर्न लेके ये जहाँ गाड़ियां मुड़ रही हैं इधर मुड़ना पड़ेगा हमें, यहाँ पे तो नसीराबाद से आपने यहाँ से जाना जी, ये डीएमसी
दुआ अल मदीना कोच है, इसके साथ से मुड़ जाए। अगर कभी यहाँ से ख़त्म हो जाए तो फिर देख लीजिएगा। ये गाड़ियाँ रक्शे मक्शे खड़े हैं, इधर से जाना है आपने। कंटिन्यू ऑन नसीराबाद बदार रोड फॉर 10 किलोमीटर्स। ये देखो यार, चलो इन्होंने फिर जाना ही है ना, लेकिन इतना ज़्यादा लाद लेंगे ना कि हो जाएगा हमारा काम ख़राब। लंगड़ा टांगा उसका टायर का वो बहुत ज़्यादा बेचारा परेशान है। ये कौन आ रहा भागता हुआ? पुलिस वाला है? ये तो इंस्पेक्टर लग रहा है। इसने हमारा सारा टाइम यहाँ बर्बाद कर देना, पता नहीं हम वहाँ पहुँच पाते हैं टाइम पे नहीं। असर भी हो गई है तकरीबन, हर जगह फंस गए भाई हम तो, बुरी तरह घूम घाम के। ओए होए, आगे एक ब्रिज आ गए, इधर बड़ी सी नहर नुमा जगह है भाई, बड़ी मुश्किल से हम तो शहर के अंदर फंस गए थे। Take the next right onto Nasirabad to Badar Road. वो मेन रोड पे हम दोबारा आ गए ना, जिसको हमने मिस किया था, ट्रकों की वजह से मिस कर दिया था और हम शहर के अंदर गुम हो गए थे, गवाच गए थे बल्कि। हाँ, ये रोड बह गई थी, बनाई है कच्ची, मैं बड़ी स्पीड से आ रहा था, ब्रेकें लगी बर वक्त। ओए होए होए, देखें आप, हम जा रहे हैं मंजेदड़ो और ये सफर इंतहाई यादगार हो गया। शौकत भाई बिल्कुल यादगार दिन के शहर में हम गुम हो गए थे, पिछला शहर पता नहीं उसका नाम क्या था, मनोहर भाई टोकरी में, बस टोकरी हो गया था, ठोकरी के बराबर टोकरी में हम ठोकरें खाने लग गए थे। इधर से घोड़ा गाड़ी आज तो हम किनारे से निकालेंगे, नहीं तो हो गया काम साडा, खतरनाक है। बैठी भी यही जगह यहाँ से, नहीं नहीं सही है सही है सही है, अब नहीं पूछना, ये हाईवे है लड़का ना, हाईवे ठीक है। कंटिन्यू ऑन लाखाना मोहनजोदड़ो हाईवे फॉर 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर है बस, सही है। यहाँ से हम लोग मोहनजोदड़ो पहुँच गए जी, टिकट का देखना है जनाब। ये हम पहुँचे मोहनजोदड़ो के अंदर गेट से, और यहाँ पे 30 रुपये पर पर्सन जो है वो टिकट है, और गाड़ी की एंट्री का भी 30 रुपये का टिकट है। तो आइए आगे चलते हैं और आगे चल के मज़ीद कुछ देखते हैं और फिर दोनों आते हैं मोहनजोदड़ो के अंदर, कुछ सिंध की सकाफत। आ जाए सीधा आगे आ जाए। ये जनाब पूरा नक्शा है, एक एक चीज़ लिखी हुई, आमरी वामरी पता नहीं क्या क्या नाम है। अच्छा ये सारे दरिया आ रहे हैं, ओहो सारे दरियाओं के नाम हैं, ऊपर से रावी चनाब जेहलम, और ये पहुँचते हैं वो मोहनजोदड़ो सामने ये इसके पास, जहाँ ये बना हुआ है मोहनजोदड़ो, पूरे पाकिस्तान का नक्शा बना दिया इन्होंने, दिस इज़ गुड। चलिए आगे चलें, तो यहाँ एक म्यूज़ियम है, ये जल्दी बंद हो जाता है तो पहले उसको जाके कवर करते हैं। ये भी एक तख्ती है, एक सिंगल, एक सिंगल। ये हम म्यूज़ियम के पास पहुँचे, यहाँ एक म्यूज़ियम भी है। फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान 1967 जनवरी में इसका इफ्तिताह किया गया था, यानी कि 67 में अयूब खान साहब ने। म्यूज़ियम बंद है, म्यूज़ियम बंद है जनाब, वर्ल्ड हेरिटेज का हिस्सा है जनाब ये भी जनाब। म्यूज़ियम जो है 4 बजे बंद हो जाता है। चलिए म्यूज़ियम के लिए आप किसी और की वीडियो देख लीजिएगा, क्या ख्याल है। हम चलते हैं आसारे कदीमा पे, जो कि वो उस कॉर्नर में ऊपर है हाइट पे, पार्क टाइप बनाया हुआ है सारा एरिया, ज़बरदस्त पार्क स्टाइल में, दोनों तरफ सेंटर से हम जा रहे हैं। ये जनाब आसारे कदीमा के अंदर दाखिल होने लगा मैं, यहाँ से छोटा सा गेट दिया हुआ है, एसटी एरिया नेम डॉक्टर खान साहब एडी सिद्दीकी रिप्रेजेंट 1922-28। अच्छा ये भी कुछ, हाँ ले लिया ले लिया।
शौकत भाई को बुलाओ, कहाँ रह गए, ढीले पड़ गए, बैटरी खत्म हो गई उनकी। ये जनाब देखें, कॉलेज बिल्डिंग, दरसगाह की इमारत कभी हुआ करती थी। ये सारे आसार हैं यहाँ पे, इसको मोहनजोदड़ो कहते हैं। हमने तो इसको कहा था आप लोग जाओ। इसके ऊपर चढ़ना सख्त मना जी, ये बुद्धा बुद्धिस्ट का स्तूपा, और नीचे पूरा आपको मोहनजोदड़ो के आसार, आसारे कदीमा नज़र आ रहे हैं। ये देखें सारे सहन वहन बने हुए, ये सारी गलियाँ। पुराने आसार हैं सारे के सारे। ये स्ट्रीट है, स्ट्रीट्स के बाकायदा नाम है यहाँ पे, गलियाँ ये डिविनिटी स्ट्रीट। ये नालियाँ देखें, ड्रेन सिस्टम भी था भाई कि उस ज़माने में, देखें आप, ये कवर्ड ड्रेन है, कवर्ड नालियाँ, ढकेल नालियाँ। डबल रिंग वेल, ये कोई कुआं है मेरे ख्याल में, हाँ ये इस तरफ कुआं बना हुआ है, लेकिन कुआं बंद है। ग्रेट बात, ग्रेट बात। अच्छा, यहाँ पे नहाने के लिए वो बनाया गया था, नीचे उतर के नहाते होंगे लोग। जनाब मोहनजोदड़ो की हिस्ट्री ये है कि 1911 में जब ये डिस्कवर हुआ और यानी कि मिला लोगों को, तो ये सामने वाला हिस्सा पूरा ढका हुआ था और इसको थोड़ा सा क्लियर किया था, और ये क्लियर था उस वक्त 1911 में। 1922 में सर जॉन मार्शल जो है वो डायरेक्टर थे, उनको ये सब कुछ मिला, तो उन्होंने यहाँ खुदाई शुरू करवाई। तो खुदाई से पहले का ये पीरियड है और ये वाला है, और उसके बाद आफ्टर पीरियड इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये जो भी खंडरात कह लें या तारीखी मकामात कह लें, इनको मोहनजोदड़ो कह लें, तो ये तकरीबन 4000 साल पुराने ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है, और इसको एडमिन एरिया कहते हैं, जिसमें 3 बिल्डिंगें दरियाफ्त हुई। ये जो आपको गली नज़र आ रही है, ये कॉलेज का पूरा एरिया, यहाँ से लेकर एंड तक, यहाँ पे कुछ कलम, कुछ तख्तियाँ और कुछ पढ़ने लिखने की चीज़ें मिली, तो उससे ये एज्यूम किया गया कि ये सारा एरिया पढ़ाई लिखाई के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा। और दूसरा जो मैंने आपको वीडियो में भी दिखाया है, इसी वीडियो में मैंने पहले आपको दिखाया, ये स्विमिंग पूल है जो कि काफ़ी गहरा है, और यहाँ पे भी यकीन तौर पे स्विमिंग की जाती है, मज़े लिए जाते होंगे। और जहाँ वो 3 अफराद बैठे ऊपर आप देख सकते हैं, वो वेयर हाउस यानी कि ज़खीरा करने के लिए गंदम, चावल, अनाज जितना भी है, वहाँ से इनको खुदाई के दौरान गंदम के आसार भी मिले थे। तो यहाँ पे भी हालिया बारिशों में यहाँ पे कुछ सेम आउट हो गया था, यानी कि ज़मीन बैठी होगी, और यहाँ से कुछ और सीवरेज की नालियाँ इनको मिली हैं। तो जनाब ये जब शहर गर्क हो गया था, यानी कि ज़मीन के अंदर जो भी आप कह लें, उसके तकरीबन 1600 साल के बाद, जो हिस्ट्री बताती है, बुद्धा के जो फॉलोअर्स थे उन्होंने आके दोबारा यहाँ पे कुछ कमरे, और इसके ऊपर ये सारे कमरे और ये सारा डिज़ाइन किया था दोबारा से। ये देखें आप इसको ज़रा पढ़ सकते हैं, बुद्धिस्ट स्तूपा एंड मॉनेस्ट्री ऑफ कुशाना पीरियड डेटिंग बैक टू 2nd century AD वर कंस्ट्रक्टेड अबाउट 16 सेंचुरीज आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन। तो वही फिर 1922 का जिक्र है कि 1922 में इसके ऊपर मजीद काम हुआ और ये सारी चीज़ें दरियाफ्त की गई। ये जो साइट है, अगर मैं इसको देखूँ यहाँ से, ये बुद्धा के इस साइड से अगर मैं देखूँ, तो इसके बिल्कुल सामने इस साइड पे ये रॉयल फैमिली के, यानी कि समझ लें कि घर वर बने हुए थे, और इस साइड पे ये लोग अपना पेंटिंग वेंटिंग का और दीगर दूसरे काम सर अंजाम देते थे। ये छोटी छोटी पहाड़ियाँ, हो सकता है इनसे मज़ीद कुछ दरियाफ्त होगा। वो जो सामने आपको दूर नज़र आ रहा है, वो उनकी वर्कर क्लास फैमिली है, जो ईंटें शीटें बना के तो यहाँ पूरी तामीरात किया करते थे।
और ये सामने वाला एरिया जो है ये कम्युनिटी हॉल है, जिस तरीके से हमारे भी डिफरेंट सोसाइटीज़ के अंदर गैदरिंग करते हैं, लोग बैठते हैं, तो ये वो सारा का सारा। तो इसके बाद ये सारा जितने छोटे छोटे आपको टीले नज़र आ रहे हैं, ये सारा समझ लें कि यानी कि डिस्कवर अभी तक नहीं किए गए। ये सारा एरिया जो छोटे टीले हैं अभी तक डिस्कवर नहीं हुए, तो इसकी खुदाई आस्था से जारी है। और इसके अंदर से भी यही टीले नुमा और मुख्तलिफ़ चीज़ें दरियाफ्त हो रही हैं, उनको मुख्तलिफ़ ज़र है स्पेसिमेंस मिलते हैं, तो अजायब घर में रखते हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं अजायब घर बंद हो गया था, हम पहुँचे ही 4 बजे के बाद, तो 4 बजे बंद हो जाता है। वो डोकरी या टोकरी में हम फंस गए थे, उनके पीछे आपको पता ही है, वीडियो में आपने देख लिया होगा। तो ये इसकी हिस्ट्री है जनाब, 4,500 साल पुरानी मोहनजोदड़ो की कम्प्लीट हिस्ट्री मैंने आपको बता दी, जहाँ जहाँ जैसे जैसे मुझे पता चला, इन्फॉर्मेशन मिली। तो मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफ़ी है, इसी पे रखते हुए मैं आपसे लेता हूँ इजाज़त, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी और अच्छी सी वीडियो में। और एक छोटी सी वीडियो हम डालेंगे, इसके बाद हम लाड़काना जा रहे हैं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मज़ार पे जाके फातिहा पढ़ लेते हैं, और उसकी एक छोटी सी वीडियो डाल देंगे। उसके बाद 2-3 और वीडियो शूट किए हैं। तो ये हमारा जो ट्रिप है कराची से लेकर मोहनजोदड़ो, लाड़काना, और फिर वापसी में गोरख हिल, उधर जाना है हमने कल। थैंक यू वेरी मच, वीडियोस देखते रहें, लाइक करते रहें और मुझे आगे बढ़ाते रहें। अपना, अपने फैमिली मेम्बर्स और दीगर लोगों का ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम और अल्लाह हाफिज़। जनाब सर जॉन मार्शल, जिन्होंने इसको 1922 में मज़ीद ऑर्डर जारी किए थे कि इसको खुदाई की जाए और आसार कदीमा को निकाला जाए, ये उनका कमरा है और ये उनकी गाड़ी खड़ी है अंदर, ये देखें कार।